हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अश्वराज और अश्वबाज का दूसरा और अंतिम भाग। अश्वराज सामने आ गया अश्वबाज के। अश्वबाज, मेरे विलक्षण इच्छाधारी रूप से तुम उससे बच ना पाएगा। इच्छाधारी रूप? उधर घूम कर आए चक्र ने काट डाली गजाशव की एक टांग, और समझ चुका था अश्वराज की चक्र की तबाही रोकने के लिए मुझे शीघ्र ही अश्वराज का अंत करना होगा। मगर कैसे? अपने विलक्षण इच्छाधारी रूप में परिवर्तित हो गया अश्वराज और उफ, इस पर तो तलवार का कोई असर नहीं हो रहा। इधर चक्र काटता चला गया गजाशव की दूसरी टांग भी। ओ नहीं, अश्वराज के सामने मेरी दूसरी विफलता। उफ आह, अश्वराज! अश्वराज की आंखों से सरसराई वो किरणें और हवा में खिसती चली गई वे दोनों टांगे। चली आओ री मेरे पास और आकर जुड़ जाओ मेरे धड़ से। टांगे आकर जुड़ गई अश्वराज के धड़ से। आखिर प्राप्त कर ही लिया मैंने वह जिस्म जिसकी मुझे आवश्यकता थी। अब इस जिस्म को कोई भी आसानी से नहीं समाप्त कर सकता। अश्वराज, अब मैं प्राप्त करूंगा तेरा विलक्षण रथ और फिर अशुलोक से करूंगा कारू के विशाल खजाने की लूट। तुझ में हिम्मत हो तो आकर मुझे रोक ले अश्वराज, क्योंकि यह मेरी चुनौती है तुझे। आज से तेरे ये पंचाशव मेरे गुलाम हैं और मेरा ही कहा मानेंगे। उत्तेजित सा हुआ चीख पड़ा अश्वराज। रक्तांबर, कालाखोर, अश्वट, नीलकंठ, शर्व शक्ति, इस शैतान को बचकर मत जाने देना। आगे बढ़ते अश्वराज पर पड़ी वो ठोकर। आह, रक्तांबर, नीलकंठ, क्या हुआ तुम्हें? पंचाशव के आक्रमण से नहीं बच सका अश्वराज। मस्तिष्क बुरी तरह से चकरा उठा अश्वराज का। इधर अश्वराज के विलक्षण रथ पर सवार हो चुका था अश्वबाज। चलो सूर्यवंशी नगर, कारू का खजाना लूटना है मुझे और फिर कोई कभी नहीं ढूंढ पाएगा मुझे। हा हा हा, क्योंकि मैं चला जाऊंगा। रहस्य से भरी थी अश्वबाज की बातें। इधर अपने होश शीघ्र ही दुरुस्त करने के बाद जैसे ही अश्वराज ने निगाहें उठाई, ओह शैतान, अश्वबाज पंचाशव रथ पर सवार होकर कारू का खजाना लूटने जा रहा है। तब अश्वराज अपने इच्छाधारी रूप को त्याग कर अपने पूर्व रूप में लौट आया। इधर अंगारों पर गिरने के बाद सख्त घायल हो गए हम सम्राट गजाशव। आह, सम्राट गजाशव, मुझे खेद है कि मैं आपकी उस दुष्ट शैतान से रक्षा न कर पाया, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस शैतान का अंत शीघ्र ही कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है, अश्वराज बताने लगा उन्हें अपनी योजना के विषय में। इधर रथ को लौटता देख प्रसन्न हो उठी राजकुमारी कुतुम चुंबी और घोड़ी लेखा। भाभी श्री, भैया अश्वराज लौट रहे हैं। जरा ठहरो घोड़ी लेखा, रथ पर तुम्हारे भैया अश्वराज सवार नहीं है, बल्कि ये तो कोई और है। तूफान की तरह महल में प्रवेश किया अश्वबाज ने। उफ आह, कारू का खजाना लेने आया हूं मैं। ओ नहीं, अश्वराज के रथ पर ये किस शैतान ने अपना कब्जा कर रखा है? ओ, ये तो राजकोष की ओर जा रहा है। राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात सैनिकों के बीच में रहा बनाता चला गया रथ। वाह, अति विलक्षण घोड़े हैं ये। आक्रमण, खत्म कर दो इसे। नगर, ये अश्वराज के रथ पर सवार कैसे हुआ? मगर ये अश्वराज के रथ पर सवार कैसे हुआ? एक साथ कई तीर आधे से अश्वराज के चेहरे पर, लेकिन अश्वबाज ने अपने चेहरे से निकाल फेंका उन तीरों को। ये तीर मेरे अमर चेहरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हा हा हा, राजकोष का मजबूत द्वार गिराकर भीतर आ गया अश्वबाज। हा हा हा, कारू का खजाना, जितना ला सका खजाने को रथ पर ला दिया अश्वबाज ने, और जैसे ही सवार हुआ रथ पर की वहीं रुक जा शैतान। अश्वराज की अनुपस्थिति में सूर्यवंशी की सुरक्षा का दायित्व उसकी पत्नी कुतुम चुंबी के कंधों पर होता है। अतः आ गया है अंत, आ गया है अब तेरा। ओ, अश्वराज ने रथ को ऐण लगा दी। मेरे रास्ते से हट जाओ मूर्खों, क्योंकि अपने प्राण क्यों अपने प्राण गंवाना चाहते हो? अश्वऋषि ने अभिमंत्रित चक्र फेंका अश्वराज पर। दुष्ट, तेरे सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन सिर का एक एक टुकड़ा वापस जुड़ गया। हा हा हा, मैं अमर हूं बुड्ढे, और राजकुमारी कुतुम चुंबी, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। नहीं, आह, सैनिकों को खदेड़ता हुआ निकलता चला गया विलक्षण रथ, जबकि चीखती चली गई कुतुम चुंबी। रक्तांबर, कालाखोर, अश्वट, नीलकंठ, शव शक्ति, उफ, क्या हो गया है तुम्हें? निर्विघ्न महल से बाहर आ गए अश्वराज को उस समय रथ रोक देना पड़ा जब अश्वराज, हाँ, तेरा काल तुझे पुकार रहा है अश्वबाज। आह अश्वराज, अश्वराज के धनुष से चूटे उस भारी भरकम बाण ने शहीद कर दिया रथ के एक पहिए को। ओह नहीं, अब यहाँ रोकना ठीक नहीं, अन्यथा मेरी योजना तिनका तिनका होकर बिगड़ सकती है। राह रोक ली अश्वराज के सैनिकों ने। मारो मारो शैतान को,
ओह, मुझे अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी। रथ की दिशा परिवर्तित करने के साथ ही कुतुमचुंबी को भी उसने मूर्छित कर दिया, अपने इच्छाधारी रूप में परिवर्तित हो गया अश्वराज। और घबराना नहीं कुतुमचुंबी, मैं आ रहा हूं तुम्हें तो शैतान की कैसे छुड़ाने। इधर अश्वराज के कुछ और आगे बढ़ते ही वहां छिपे अश्वराज के अश्वगंज के सैनिकों ने पुनः रथ की राह रोक ली। मारो मारो इस शैतान को। और अश्वराज को इस स्थान तक लाना ही अश्वराज का उद्देश्य था। आक्रमण! जहां वृक्षों पर बिछा हुआ था अश्वराज का फैलाया जाल, अश्वराज की मौत का जाल। ओह नहीं, उफ, अपनी मंजिल के निकट आकर भी अभी दूर ही हूं मैं, जब तक कि मैं अश्वराज से छुटकारा नहीं पा लेता। अश्वराज, अब तेरा अंत किए बिना मैं अश्वलोक से नहीं जाऊंगा। दूसरे ही पल अश्वराज परिवर्तित हो गया सामान्य रूप में। अश्वराज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतान। आह, मौत बनकर टूटूंगा अब मैं तुझ पर। आक्रमण! इधर तेजी के साथ उठकर खड़े हुए अश्वराज से अटक रहे वृक्षों के दो भारी तने चीख निकल गई अश्वराज के कंठ से। तनों के बीच से निकलकर अश्वराज ने उस आंख की ओर हाथ बढ़ाया। अश्वराज, अब तुझे भी सम्मोहित करके मारूंगा। ओह, इसकी तिलिस्मी आंख को बाहर निकालने से रोकना होगा। अश्वराज ने खींच मारा वह भाला। अश्वराज को जबरदस्त वार से खड़ा न रह सका अश्वराज, उफ, साथ ही चीख पड़ा अश्वराज, आक्रमण! इसी के साथ आंधी सी सरसराई वहां और आश्चर्य भय मिश्रित भाव लिए फट गई अश्वराज की आंख। नहीं, अपने भारी भरकम शरीर के कारण हिलने में हुआ विलंब भी मुसीबत बनकर टूट पड़ा उस पर। धड़ से पुनः जुदा हो गया उसका सिर, जो कि उछल कर आसवार हुआ वापिस रथ पर। और चलो, मेरी मंजिल भी निकट ही है, मुझे वहां ले चलो। और वह थी उसकी मंजिल, जो अश्वराज की आंख के संकेत पर प्रकट हो गया था उस घेरे के रूप में। हा, भविष्य नामक यही यंत्र है, प्रवेश कर जाओ इस सतरंगी घेरे में। हा, अश्वराज, तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर सजा होगी कि कुतुमचुंबी को अब तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे। हा, 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 हा। लेकिन इससे पहले कि संपूर्ण रथ के साथ अश्वराज भी समा जाता उस घेरे में, उस जबरदस्त ठोकर ने उस गहरे गड्ढे में आकर गिरा अश्वराज का सर। उफ! और तभी कई भारी तनों से भर दिया गया वो गड्ढा। आह! अश्वराज का सिर दबकर रह गया उस गहरे सूखे कुएं में। तेरा सिर जीवित जरूर रहेगा शैतान, लेकिन अब वो कभी यहां से बाहर नहीं आ पाएगा। अश्वराज ने अश्वगंज सैनिकों को निर्देश दिए, बंद कर दो इस कुएं का मुंह। जबकि भीतर तनों के बीच में फंसे अश्वराज की आंखों में खूनी चमक उभर आई। अश्वराज, इस समय मैं बेशक बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, लेकिन तेरी कुतुमचुंबी भी कभी बाहर नहीं आ पाएगी। जरा बचा जा, बचा सके तो बचा ले कुतुमचुंबी को, क्योंकि मैं भविष्य नाम के उस अंधेरे का द्वार बंद कर रहा हूं। अश्वराज की तिलिस्मी आंख से निकल पड़ी तिलिस्मी शक्ति और उधर लोप होने लगा वह घेरा। ओ नहीं, पंचाशव कुतुमचुंबी उस घेरे में समा चुके हैं और अब वह घेरा सुकुट रहा है। ऐन वक्त पर अश्वराज कूद गया उस घेरे में और गायब हो गया वह घेरा। कहां गया अश्वराज? कैसा था वो घेरा जिसके दूसरी ओर आकर गिरा था अश्वराज? उफ, न जाने कहां आ गिरा था अश्वराज। उफ, निगाहें उठाते ही भौचक्का उठा था अश्वराज। ये कहां आ गया मैं? क्या देखकर भौचक्का रह गया था अश्वराज? कहां चली गई राजकुमारी कुतुमचुंबी व पंचाशव? जानने के लिए इंतजार करिए अश्वराज की अगली कॉमिक्स कलयुग का। तब तक के लिए धन्यवाद।